टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम सेहतमंद और प्रसन्न होंगे। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ साड़ियाँ शेयर कर रही हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं कि साड़ी एक ऐसा परिधान है जिसमें कि हर जो लेडी रहती है वो बहुत खूबसूरत दिखती है, और ये जो साड़ियाँ मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये सभी मैंने मीना बाज़ार से ली हैं। मीना बाज़ार आप लोग जैसा सभी जानते हैं कि बड़ी सिटी में इनके आउटलेट रहते हैं और ऑनलाइन भी आप इन साड़ियों को परचेज कर सकते हैं। ये साड़ी खरीदे मुझे थोड़ा टाइम हो गया है, तो अगर इनका मुझे प्राइस याद आया है तो मैं ज़रूर स्क्रीन में आप लोगों के उसको शेयर कर दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट है ये इस तरह की ग्रीन कलर की साड़ी है, डार्क ग्रीन में इसमें धानी कलर से इस तरह की बेल जैसी बनी है। देखिए लाइट ग्रीन कलर से पूरे ऐसे इस तरह के शेप में डिज़ाइन बनी है, और इसके अंदर धानी कलर के फ्लावर्स बने हैं, लीव्स बनी हैं। पूरी साड़ी में ओवरऑल इस तरह की डिज़ाइन है, और नीचे और ऊपर इसमें इस तरह का बॉर्डर है। इतनी दूर तक यहाँ पे धानी कलर का है और फिर नीचे यहाँ पे ये बेज कलर का बॉर्डर है, उसमें ये गोल्डन कलर का बॉर्डर है, इसमें भी इस तरह से बेल बनी है गोल्डन कलर की। बहुत सुंदर साड़ी है, और ये साड़ी का कपड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या है, पर बहुत अच्छा है, इसको पहन के बहुत अच्छा लगता है और साड़ी जो बहुत आराम से ड्रेप हो जाती है। और ये साड़ी मेरे ख्याल से 5000 तक की थी जैसा मुझे याद आ रहा है। एग्जैक्ट तो मुझे इसकी प्राइस याद नहीं है, पर अप्रॉक्सीमेट 5000 तक की थी। इसमें ऊपर नीचे इस तरह का बॉर्डर है, पूरी साड़ी में ओवरऑल इस तरह का प्रिंट है। 5.5 मीटर की साड़ी है, और इसमें इसी तरह का इस कलर का धानी रंग का ब्लाउज आया था, और इसमें इस तरह का ये गोल्डन बॉर्डर था इसके साथ, मतलब साड़ी में अंदर ब्लाउज पीस भी था अटैच, तो वो मैंने स्टिच करा लिया है। मैं बगल में क्लिप डाल दूंगी तो वहां से आपको पता चल जाएगा पहन के कैसा लगता है। और ये देखिए पूरी साड़ी इस तरह से प्रिंटेड है, और इस तरह का पल्लू है साड़ी में, इस तरह का। ये धानी कलर का इतनी दूर तक, इतनी चौड़ा यहाँ पे धानी कलर है, फिर यहाँ पर ये कुछ क्रीम पिकॉक सा कलर है जो साड़ी का है ओवरऑल, जो इस तरह का कलर है जिस तरह में प्रिंट है ये, तो इस तरह का ये पल्लू है, और इसमें ये जो यहाँ पे धानी कलर है यहाँ पे गोल्डन कलर की ऐसी लाइंस जैसी बनी हुई जरी की। तो ये साड़ी इस तरह की पहन के बहुत सुंदर है लगती है ये साड़ी। तो पहली थी ये साड़ी। सेकेंड है ये ग्रे कलर की साड़ी है, और इसमें देखिए डिजिटल प्रिंट है, बहुत सुंदर लगते हैं ग्रे कलर में ये, पीच कलर से, पिंक कलर से, धानी कलर से, पिंक कलर से, रेड कलर से, इस तरह से पूरी साड़ी में इस तरह से ओवरऑल फ्लावर्स बने हैं, इस तरह से लीव बनी है, फ्लावर बने हैं, ऐसे बंच जैसे बने हैं, देखिए इस तरह के यहाँ पे इस तरह से पूरी ओवरऑल साड़ी इसी तरह की है, और ऊपर और नीचे इसमें इस तरह का गोल्डन कलर का बॉर्डर है, और उसके ऊपर नीचे ये काले रंग की पट्टी लगी है, सॉरी काले रंग की पट्टी है, और ये वीविंग में ही है, गोल्डन कलर का जो बॉर्डर है ना ये वीविंग में ही है पूरा, ऐसा ऊपर भी है इसी तरह का बॉर्डर, नीचे भी है, बाकी पूरी साड़ी इस तरह से ओवरऑल इस तरह का प्रिंट है। ये साड़ी भी बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है इसका, बहुत अच्छे से ड्रेप हो जाती है और पहन के बहुत सुंदर लगती है, और ये गर्मियों के लिए एकदम परफेक्ट है अभी। और इस साड़ी में पूरी साड़ी ओवरऑल उसी तरह का प्रिंट है,
खाली पल्ले में ये इस तरह से बड़े बड़े फ्लावर्स बने हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे ये बड़े फ्लावर्स बने, पल्ला है ये साड़ी का, और फिर यहाँ पे ये काले रंग की एक पट्टी है, इस तरह से पल्ला है इसका। पूरी साड़ी इस तरह की है और पल्ले में ये बड़े फ्लावर्स बने। बहुत सुंदर लगती है साड़ी पहन के। पर ये जैसे चंदेरी की होती है ना साड़ी, उस तरह का कपड़ा है, बहुत अच्छा कपड़ा है। और इसका ब्लाउज भी इसी तरह का आया था, मैं हल्के से प्रिंट बने हैं छोटे छोटे, वो बगल में मैं साइड में क्लिप लगा दूंगी तो पता चल जाएगा आपको। वैसे आप इस ब्लाउज के, इस साड़ी के साथ पिंक कलर का, पीच कलर का, ग्रे कलर का प्लेन ब्लाउज भी पहन सकती हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, या गोल्डन कलर का भी पहन सकती हैं, गोल्डन ज्वेलरी पहनी है तो बहुत सुंदर लगेगा। तो ये थी मेरी दूसरी साड़ी, थर्ड है ये। ये बनारस में खड्डी वर्क होता है उसकी साड़ी है, जॉर्जेट के ऊपर ये खड्डी वर्क किया हुआ है, जो वर्क हुआ है इसको खड्डी का वर्क कहते हैं। इस तरह से इसमें ये इस तरह के पैटर्न बने हुए हैं, पूरी ओवरऑल साड़ी में इसी तरह का है, और नीचे इस तरह का बॉर्डर है इसमें। पिकॉक कलर की साड़ी है, बहुत अच्छी साड़ी है, और पर इसमें ये जो थोड़ा वर्क होता है ना, इससे थोड़ा साड़ी हैवी हो जाती है, पर बहुत अच्छे से ड्रेप हो जाती है और इसमें आप स्लिम लगते हैं पहनिए तो। इसकी भी मैं बगल में क्लिप लगा दूंगी। इसका ब्लाउज भी इसी तरह का था, प्लेन, इस तरह का प्लेन ब्लाउज आया है जिसमें बॉर्डर है स्लीव्स में और बैक में, इस कलर का प्लेन ब्लाउज है। और पूरी साड़ी में जो है इस तरह का, पूरा ओवरऑल साड़ी में इस तरह का है, नीचे इसमें और ऊपर इस तरह का, नीचे इतना चौड़ा बॉर्डर है ये देखिए इस तरह का, और ऊपर ये पतला बॉर्डर है, थोड़ा सा नीचे का ज्यादा चौड़ा है, ऊपर का ये इतना पतला है। और पूरी साड़ी इस तरह की है, और ये साड़ी का पल्ला है, साड़ी का पल्ला बहुत सुंदर है, इस तरह का पल्ला है देखिए, पूरा इस तरह का। इसमें जॉर्जेट में भी खड्डी का वर्क होता है, सिल्क में भी खड्डी का वर्क होता है, तो ये अभी गर्मी का समय है तो मैंने ये जॉर्जेट वाली ली थी साड़ी। ये साड़ी भी पहले मैं शायद किसी वीडियो में पहन चुकी हूँ, तो ये साड़ी पहन के बहुत सुंदर लगती है। ये साड़ी आप किसी भी फंक्शन में पहन सकते हैं, आपके यहाँ अगर शादी हो या कोई फंक्शन हो, पार्टी हो, तो ये आप पहन सकते हैं। साड़ी बहुत सुंदर लगती पहन के, इसके साथ आप गोल्डन ज्वेलरी पहनिए, या तो नेकलेस पहनिए और कान में गोल्डन छोटे छोटे झुमके पहनिए, या आप डायमंड ज्वेलरी भी पहनेंगी तो इसके साथ अच्छा लगेगा, गोल्ड में डायमंड ज्वेलरी। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी कुछ मीना बाजार से जो मैंने साड़ियाँ परचेज की थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये साड़ियाँ भी पसंद आई होगी और मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।